वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों को जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी फ्रेंड्स आता है कि जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, तब उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बना दी। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर वे दंग रह गए। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी है, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाले मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, और भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजुबान मूर्तियां बोला नहीं करती। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुखी के सिवाय कुछ दिया ही नहीं है। अपने जीवन में आप किसी भी प्रकार का अहंकार न रखें, हमेशा अच्छा सरल स्वभाव रखें। अहंकार तो फ्रेंड्स राजा रावण का भी नहीं चला था, वह भी अहम में डूबा हुआ था और उसका सर्वनाश हो गया। तो प्लीज़ अपने आप को अहम में ना डूबाएं। हम सब और एक कुटुंब वसुदेव कुटुंब की भावनाओं के साथ में चले। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, और आगे से आगे मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।